जब वो 4 ईयर्स के थे उनके फादर की डेथ हो गई डिप्लेन क्रैश में, उनका राज्यभिषेक इसी चेयर के पे किया गया जो आपके पीछे इसको शानदार चौकी दी। यहीं पे लोकल कॉन्फ्रेंस होती थी और जब ये सारा कार्यक्रम होता था ऊपर से रानियां देखा करती थी। ये झांकी महल है, ठीक है, यहाँ से झांक के वो सारा फंक्शन देखती थी। और इन जाली का डिज़ाइन 50 टाइप्स का है, देखने पर ये वुडन यानी काठी लगता है मगर ये काठी नहीं है, लाल कलर का पत्थर है। डिज़ाइन 50 टाइप्स का है, डिफरेंट डिफरेंट जाली है जो लोकल यहाँ के आर्टिस्ट लोगों ने बनाया है। और यहाँ पे कई हिंदी मूवीज़ की शूटिंग हुई है जिसमें हम साथ साथ, तेरे नाम, वीर, शुद्ध देसी रोमांस, बैटमैन 2 और अभी एक फिल्म आई थी हिंदी मूवी बादशाह जिसमें इमरान हाशमी, अजय देवगन, वो जोधपुर की पूरी शूटिंग कहीं पे भी बाहर नहीं हुई है, वो हमारे जोधपुर शहर में हुई है। तो ये 1972 के अंदर इस फोर्ट को म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया और इंडिया का फर्स्ट फोर्ट जिसमें एलिवेटर लगा। अभी आप लोग यहाँ पर म्यूजियम वगैरह देखेंगे, फर्स्ट वन रूम के अंदर एलिफेंट सीट्स का कलेक्शन है, जितने भी बड़े बड़े पत्थर और ये यहाँ पे आए हैं लकड़ी वगैरह ये सब जो है हाथी लेके आए हैं, एलिफेंट सीट्स जिसके ऊपर लायन यानी शेर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो लायन का स्ट्रक्चर जिसके ऊपर है वो पर्टिकुलर राजा साहब के लिए, विदाउट लायन जितना भी आप लोग देखेंगे वो सब रानी साहिबा के, 1, 2 और 3 कंटिन्यूस राजा साहब के हैं, उसके बाद में रानी होते हैं। देन सेकेंड रो पालकी एंड डोली सेक्शन, इंग्लिश में पालंग क्वींस बोलते हैं, पालंग क्वींस मेल के लिए होती है यानी राजाओं के लिए, और डोली बेसिकली पर्दे वाली ढकी हुई होती है, कवर होती है, वो फीमेल के लिए होती है। तो दोनों में फ़र्क होता है, डोली फॉर वुमेन एंड पालकी फॉर मैन। तो अंदर एंटर होते ही पर्दे वाली रानी का है, एग्जिट होते ही राजा की मदर का है जिसमें गॉड एंड गॉडेस की फ़ोटो लगी है, बाकी सब जो है जेंट्स लोगों की। इधर जो है एक गुड़गुड़ा रखा है फॉर स्मोकिंग, तो साथ में ओपियम स्टैंड है। राजस्थान के अंदर आज भी ओपियम का खेती होता है यानी ओपियम का कल्टिवेशन किया जाता है और उससे कई तरह की ड्रग्स बनाई जाती है। पुराने समय के अंदर जो है एज ए एनाल्जेसिक ड्रग के तौर पे यानी पेन किलर मेडिसिन की तरह इसको यूज़ में लेते थे, जितने भी जो वॉरियर जो फाइट में जाते थे ओपियम ड्रिंक करके जाते थे, विदाउट ओपियम ड्रिंक किए फाइट पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि कट वगैरह लग जाता था तो वो घायल हो जाते थे, उनको पेन होने लग जाता था, इसीलिए वो क्या करते थे पहले से ही ड्रग लेके जाते थे, उनको जो है पेन फील ही नहीं होता था और कंटिन्यूस वो फाइट करते रहते थे, उनके भले ब्लडिंग हो उनको फील नहीं होता, इसीलिए ओपियम लिया जाता था। उसके बाद में इधर ये फैमिली ट्री है, ओके, अभी जो जनरेशन है 38th जनरेशन राठौर रॉयल फैमिली। अब आप लोग अंदर एलिफेंट सीट्स पालक